जय श्री दोस्तों, पौष्टिक आहार बाकी सब बेकार। माँ की जैन रसोई में आपको मिलेंगे स्वादिष्ट और सात्विक व्यंजन अपार। तो कैसे हैं आप लोग? माँ की जैन रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम हेल्दी रेसिपी जिसका नाम है वेजिकॉर्न्स। दोस्तों, ये वेजिकॉर्न्स एक ऐसी रेसिपी है जो की बोरिंग नॉर्मल रोटी सब्जी को एकदम इंटरेस्टिंग बना देगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, 1 टेबलस्पून मैदा, रेड कैप्सिकम, कॉर्न्स, ऑलिव ऑयल, भुना हुआ जीरा, नमक, काला नमक, जीरा, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हींग, 1 नींबू, 2 कच्चे केले उबले हुए, कोई भी नमकीन आपकी पसंद की और होममेड सॉस। इसके बाद दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ फुलके यानी कि रोटियाँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले दोस्तों, आप मैदे में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसका एक पेस्ट बना लीजिए। दोस्तों, पेस्ट ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज्यादा पतला। इसके बाद दोस्तों, आप फुलके लेकर उसके चारों किनारे काट दीजिए जिससे कि एक चकोर शेप में आ सके। दोस्तों, जो आपने किनारे काटे हैं उसके लिए भी हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रेसिपी है। अगर आपको वो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसको कट करने के बाद दोस्तों, जो हमने पेस्ट बनाया था आप उसको यूज कर दोस्तों इस शेप में जो भी खुली साइड्स हैं उसको ऐसे पेस्ट से भरकर उसको चिपका दीजिए और इसको एक कॉर्न की शेप में ऐसे बना लीजिए। और इसके बाद दोस्तों, हर एक खुली साइड में ये पेस्ट लगाकर इसको भी चिपका दीजिए। दोस्तों, आप इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करें जिससे कि आपकी कोई भी साइड खुली ना छूटे, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी कोई भी साइड खुली छूट जाएगी तो हमारे कॉर्न्स खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे करके दोस्तों मैंने ये सारे कॉर्न्स बना लिए हैं। इसके बाद दोस्तों, मैंने कच्चे केले को भी चॉप कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालकर हींग और जीरा डाल दिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर चॉप्ड कच्चा केला डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मैंने पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च डाल दी है। दोस्तों, आप चाहे तो इनकी क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसको भी दोस्तों मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मैंने कॉर्न्स डाले हैं, इसकी भी क्वांटिटी दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसको भी दोस्तों हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी फिलिंग के लिए दोस्तों आप घर में कोई भी बनी हुई सब्जी का भी यूज कर सकते हैं। और एक एक कर दोस्तों आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सारे स्पाइसेस डाल दीजिए। स्पाइसेस डालने के बाद दोस्तों आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद दोस्तों मैंने इसमें 1 नींबू का रस डाला है जिससे कि जो हमारी फिलिंग है थोड़ी सी चटपटी भी हो जाए। तो ये लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी फिलिंग। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक कोन लिया है और उसके अंदर यहाँ पर मैंने ये फिलिंग डाल दी है। दोस्तों, आप भी इसको ऐसे ही डालें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फिलिंग हमारे कोन में आ सके। और इसके बाद दोस्तों, जो हमने पेस्ट बनाया था उससे आप इस कोन को ऊपर से कवर कर दीजिए। ऐसे ही दोस्तों, मैंने एक और कोन लिया है जिसमें मैंने पहले नमकीन डाली है। आप दोस्तों कोई भी अपनी फेवरेट नमकीन ले सकते हैं। और फिर नमकीन डालने के बाद दोस्तों, मैंने उसमें भी ऊपर ऐसे ही फिलिंग डाल दी है और उसको भी ऐसे कवर कर लिया है। ऐसे करके दोस्तों मैंने अपने सारे कोन तैयार कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों, आप एक पैन ले लीजिए और उसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालकर उसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। जैसे ही दोस्तों वो पैन गर्म हो जाए आप उसमें अपने कोन डाल दीजिए जिससे कि वो अच्छे से कुक हो जाए। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप इसको ऐसे ही कुक करें। दोस्तों, नॉर्मली कॉर्न्स 5 से 6 मिनट में कुक हो जाते हैं। बस दोस्तों, आपको हर 1 से 2 मिनट बाद चेक करना होगा कि हर साइड से कॉर्न्स कुक हुए हैं या नहीं, जिससे कि हर 1 से 2 मिनट बाद आप इसको पलट सके जिससे कि दूसरी साइड भी कुक हो सके। ऐसे कर दोस्तों मैंने 5 से 6 मिनट तक इसको
कुक किया है और ऐसे करके दोस्तों मेरे कॉर्न्स हर साइड से कुक हो गए हैं। ये देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको ऊपर से भी कुक कर लिया है। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इसमें यहाँ पर ग्लव्स का भी यूज कर सकते हैं टिश्यू पेपर की जगह। ये देखिए दोस्तों ऐसे करके मैं सारे कॉर्न्स दोस्तों ऊपर से भी कुक कर लूंगी। जो दोस्तों हमने इसके ऊपर मैदा की कवरिंग लगाई थी मैं यहाँ पर उसी की बात कर रही हूँ। ऐसे करकर दोस्तों हमारे कॉर्न्स अच्छे से कुक हो चुके हैं और ये खाने के लिए तैयार है। इसकी सर्विंग के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कॉर्न्स के ऊपर सॉस लगाकर इसको भेलपूरी वाली नमकीन में अच्छे से डिप कर लिया है और फिर इसको ऐसे सर्व कर दिया है। जो हमारी नमकीन वाली कॉर्न्स थे दोस्तों मैंने उसके लिए उसके ऊपर चीज स्प्रेड कर उसको भी ऐसे सर्व कर दिया है। तो ये लीजिए दोस्तों तैयार है हमारे वेजी कॉर्न्स। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ पास में जो बेल आइकन है दोस्तों उसको क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें। और हाँ दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।